हल्द्वानी में पुलिस के लिए रविवार का दिन कामयाबी भरा रहा। पुलिस ने दो अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहली घटना है मुखानी थाना क्षेत्र की, जहां पर ऊंचा पुल के रहने वाले जगदीश गुरु रानी को दो लोग सम्मोहन करके जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मेहनत और सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया है। इनके पास से जेवरात भी बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने बताया कि उनके द्वारा घटना में बाइक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पुलिस का स्टिकर भी लगाया गया था। यह बड़े प्रोफेशनल अपराधी हैं, जिनके खिलाफ देहरादून और बरेली में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं पीपी नगर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस को कली नकली शराब की बोतलें और अबकारी विभाग का होलोग्राम भी मिले हैं। इनका एक साथी जो कि बाजपुर का रहने वाला है, वो अब भी फरार चल रहा है, जिसकी धर पकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। ये 19 तारीख की घटना मुखानी थाने की, एक बुजुर्ग अपने घर के पास घूम रहे थे तो मोटरसाइकिल में ये दो अभियुक्त आए और इनके द्वारा उनको बातों में उलझा कर और उनको सम्मोहित करके उनके हाथ से अंगूठी और चेन ले ली और उसके बाद ही फरार हो गए। इस सूचना पर मुखानी थाने पे मुकदमा कायम हुआ और उसके बाद एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा इसमें बहुत मेहनत की गई, तमाम सारे सीसीटीवी देखे गए और मुखबिर इसमें मामूर किए गए। कई यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे इनके फ़ोटो दिखाए गए जो संभावित थे। इसमें टीम के द्वारा फाइनली 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक मूलतः अलीगढ़ का रहने वाला शर्मा विनोद शर्मा नाम का है और दूसरा उसका साथी कालीचरण जो कि बरेली का रहने वाला है। इन दोनों से ही जो माल है, एक चेन और अंगूठी, वो बरामद कर ली गई है। इन दोनों को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कोतवाली हल्द्वानी की ये घटना है। देवलचौड़ इलाके में ये सूचना मिली कोतवाली पुलिस को कि यहाँ पे नकली शराब बनाने का काम किया जा रहा है। इस सूचना पे पुलिस के द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई। मौके पे अवैध शराब के जो पौवे हैं वो मिले हैं, शराब बनाने के जो उपकरण थे वो मिले गए, कुछ कलरिंग एजेंट्स, होलोग्राम्स मिले। आबकारी इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया गया कि ये जो होलोग्राम्स हैं कहीं आबकारी विभाग के तो नहीं हैं। जब ये पूरी तरह से पुख्ता हो गया कि आबकारी विभाग के नहीं हैं और उस शराब के बारे में जो केमिकल वहाँ पड़ा था, कि पूरी तरह से ये पता चल गया है कि ये नकली है। इस सूचना पे फिर कोतवाली में मैं 60/72, 420, 467, 468, 271 और 273 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया। 5 अभियुक्त हैं इसमें, जिसमें मुख्य अभियुक्त रघुवीर है, जिसने किराए पे इस देवलचौड़ भवन को किराए पे लिया था। इसके साथ अन्य 4 साथी और हैं, 3 की गिरफ्तारी हो गई है, 2 अभी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसमें 4 हल्द्वानी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त सुखदेव नाम का बाजपुर का रहने वाला है। इन जो शेष बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई।